दोस्तों, क्या आपको पता रात में जब आप सोते हो तो आखिरी पर्सन आपको याद आता है वो पर्सन या तो आपके हैप्पीनेस का रीज़न होता है या फिर आपके दुख का रीज़न होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब भी किसी इंसान को नया पेन दिया जाता है तो 97% लोग उससे अपना नाम लिखकर ट्राई करते हैं। ऐसे ही गजब के 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जिसे देख कर आप हैरान हो जाओगे और कहोगे यार बात तो सही है। तो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, जब कोई पर्सन ऐसे जोक्स पे हंसता है जो कि उतना फनी नहीं है, यानी कि ऐसा जोक जो कि बिल्कुल बोरिंग है, और अगर उस जोक पर भी इंसान हंस रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंसान अंदर से काफ़ी अलोन फील कर रहा है या सैड है। फैक्ट नंबर 2, साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी इंसान पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ने में केवल 7 सेकेंड का समय लगता है। जी हाँ, ओनली 7 सेकेंड में आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ जाता है दूसरे इंसान पर, और ये फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका लास्ट इम्प्रेशन रहता है ज़िंदगी भर उस इंसान के सामने। फैक्ट नंबर 3, जो इंसान किसी की केयर ना करने का दिखावा करता है, असलियत में उस इंसान की आदत होती है सबसे ज़्यादा केयर करने की। यानी कि अगर कोई अपना आपको केयर नहीं कर रहा तो समझ जाओ वही सबसे ज़्यादा आपका केयर करता है। फैक्ट नंबर 4, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपके मन में ज़्यादा निगेटिव थाट्स आते हैं तो आप उस थाट्स को पेपर पर लिख कर उस पेपर को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हो तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। ट्राई करके ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 5, 95% ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती वो लोग एवरेज पर्सन से ज़्यादा क्रिएटिव और शार्प ब्रेन वाले होते हैं। तो अगर आपकी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो खुश हो जाओ, आप ज़्यादा क्रिएटिव हो। फैक्ट नंबर 6, अगर आप अपने गोल को किसी के साथ शेयर करते हो तो ऐसा देखा गया है कि आप उस गोल को अचीव ही नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने गोल्स को सीक्रेट रखना चाहिए और किसी के साथ भी नहीं शेयर करना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, 7 पॉजिटिव कमेंट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ 1 नेगेटिव कमेंट। यानी कि अगर आपने एक नेगेटिव कमेंट किया है तो उसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए 7 पॉजिटिव कमेंट करने पड़ेंगे। दैट इज़ अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, थिंकिंग इन फॉरेन लैंग्वेज हेल्प अस टू मेक बेटर डिसीजंस। क्या आपको ये पता है कि जब भी हम अपने नेटिव लैंग्वेज के अलावा किसी फॉरेन लैंग्वेज में सोचते हैं तो हम बेटर और अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम अपने नेटिव लैंग्वेज में कुछ भी सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग में इमोशन भी जुड़े होते हैं। इस वजह से हम इमोशनल होकर बेटर और वाइज डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए अगर आप नेटिव लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज और कुछ भी सोचते हो तो उस टाइम आपकी लॉजिकल थिंकिंग चलती है और आप बेटर डिसीजन लेते हो। फैक्ट नंबर 9, कभी भी अपने फेवरेट सॉन्ग को अलार्म क्लॉक में सेट मत करना, वरना आप अपने फेवरेट सॉन्ग से हेट करने लगोगे। सही बात है, अलार्म क्लॉक की ट्यून को हर इंसान हेट करता है। फैक्ट नंबर 10, चीटर लोगों की थिंकिंग होती है कि सभी लोग चीट करते हैं, और झूठे लोग की थिंकिंग होती है कि दुनिया ही झूठ बोलती है। ऑलवेज कीप इन माइंड, ये हमेशा देखा गया है, साइकोलॉजी कहती है कि चीटर लोग जो होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि सभी चीट करते हैं। वाह क्या बात है। तो दोस्तों, आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।